वहीं सीकर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 12वीं के कला वर्ग के रिजल्ट में प्रिंस स्कूल के विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रिंस स्कूल के कुल प्रविष्टित 216 में से 40 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। छात्रा मनीषा ने 97.80%, निधि शर्मा ने 97.40%, छात्र मुकेश शर्मा ने 95%, अनुप्रिया ने 95.60% इस तरह अंक हासिल किया। वही आयुषी सेन ने 94.80%, पूजा ने 94.60%, ललिता गुदारा ने 94.20%, अंजलि झाकर ने 94% अंक हासिल किए हैं। विभिन्न विषयों में 28 विद्यार्थियों ने 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। वहीं इतिहास में 6 गणित, 3 राजनीति, विज्ञान में 1 और भूगोल में 18 विद्यार्थियों ने 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। छात्रा मनीषा के पिता दीवान सिंह कपड़े की दुकान चलाते हैं और माता मंजुलता गृहिणी है। मनीषा भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। वहीं छात्रा निधि के पिता भेगाराम शर्मा जाजोद में आर्य शिक्षा निकेतन विद्यालय के संचालक हैं और माता बबीता देवी गृहिणी हैं। निधि भी भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। विद्यार्थियों की उत्कृष्ट सफलता पर प्रिंस स्कूल में जश्न का माहौल है। इस दौरान निदेशक जोगेंद्र सुंडा, चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा, मुख्य प्रबंध निदेशक राजेश ढिल्लन, प्रबंधन निदेशक मनोज ढाका, प्रिंसिपल एमआर अग्रवाल, सीमा राजपुरोहित, मीरा कुल्हारी, बलराम मोला और ओंकार मुंड ने टॉप अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया। तो प्रिंस स्कूल ने सफलता हासिल की है, छात्रों ने नाम रोशन किया है, जश्न का माहौल है, मेडल दिया गया बच्चों को, एक इतिहास रचा गया है यहाँ पर। और देखिए एक खुशी का माहौल है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जो खुशी है, स्कोर करने की जो खुशी है। और इसी के तहत जो है स्कूल ने भी विद्यार्थियों को वहाँ पर सम्मान दिया, मेडल दिया, पुरस्कार दिया, उनके हौसले अफजाई किए। लोगों का ये मानना है कि कड़ी मेहनत से उनको ये सफलता मिली है। प्रिंस स्कूल की जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने में, उससे भी इन तमाम विद्यार्थियों को बहुत फायदा हुआ है और उसी फायदे के तहत आज इनके स्कोर्स ऐतिहासिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों का सम्मान किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 2022 के रिजल्ट में प्रिंस स्कूल सीकर के विद्यार्थियों की सफलता का सिलसिला जारी है। 12वीं आर्ट्स के रिजल्ट में प्रिंस स्कूल के 216 में से रिकॉर्ड 40 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। बेटी मनीषा ने 97.80% अंक हासिल किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्ट्स जैसे संकाय में बिना प्रैक्टिकल विषयों के इन विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल किए हैं। मनीषा ने हिस्ट्री में 100/100, ज्योग्राफी में 100/100, मैथमेटिक्स में 99/100, हिंदी में 99/100 और इंग्लिश में 91/100 अंक का स्कोर हासिल किया है। इसी प्रकार निधि शर्मा ने 97.40% अंक हासिल किए हैं और निधि ने मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी में 100/100 अंक हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस स्कूल के विद्यार्थियों का राजस्थान बोर्ड में सफलता का सिलसिला अनवरत चलता जा रहा है। गत दिनों घोषित हुए 12वीं साइंस के रिजल्ट में भी प्रिंस स्कूल के रिकॉर्ड ही नहीं महारिकॉर्ड 224 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए थे। वहीं 12वीं के कला वर्ग का भी रिजल्ट जारी हो गया है। लूणी में छात्र सोनू और प्रकाश ने कला वर्ग में बाजी मारी है। होनहार छात्रों से हमारे संवाददाता रोहित परिहार ने खास बातचीत की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का आज 12वीं कला वर्ग का परिणाम जारी हुआ है। अब हम इस समय लूणी कस्बे के स्थानीय विद्यालय में मौजूद है। हमारे साथ जो 94.4% जो अंक लाए हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनका यहाँ पर विद्यालय में स्वागत किया गया है। इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने कितनी देर तक मेहनत की थी और इसके पीछे किसका श्रेय जाता है। मैं सोनू जोशी, डॉटर ऑफ तुलसाराम जी जोशी, गांव सतलाना, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सतलाना से 12वीं, जैसा कि आप 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट घोषित हो चुका है उसमें मेरे 95% बने हैं, जिसका सारा श्रेय मैं अपने विद्यालय के गुरुजनों और मेरे माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने समय समय पर मुझे मोटिवेट किया है। और एक टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। हमारे साथ प्रधानाचार्य दशरथ सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। 12वीं कला बोर्ड का जो परिणाम आया है बहुत ही सुखद परिणाम है।
इस हमारे सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय ने पहले भी पूरे जिले में यहाँ के विद्यार्थियों ने परचम लहराया और इस बार भी विद्यालय के प्रकाश बिश्नोई ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे साथ है प्रकाश बिश्नोई, फीज गांव से आते हैं, ढाणियों के अंदर रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ढाणियों के अंदर हमेशा बिजली की कमी रहती है, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, ऐसे में अच्छे अंक लाना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर तक यहाँ विद्यालय आते हैं और फिर गाँव जाते हैं। उनसे जानते हैं उन्होंने जो अंक हासिल किया है उसके पीछे किसका असर है। मैं प्रकाश बिश्नोई, सन ऑफ कान्हाराम बिश्नोई, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो उन्होंने हमेशा ही मुझे कहा है बेटा पढ़ो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं है, अगर आप सफलता हासिल करोगे तो आपकी वैल्यू होगी समाज में। और इसी के साथ मैं अपना जो 12वीं का रिजल्ट अभी जारी हुआ है तो उसमें मैंने 94.40% हासिल किए हैं। इसके पीछे ज़्यादा श्रेय मेरे गुरुजनों का है जिन्होंने मुझे अच्छा शिक्षण का वो कार्य में मेरे मार्गदर्शन किया अच्छा, और इसके साथ ही मेरे माता पिता और मेरे भाई का श्रेय है जिन्होंने मुझे हमेशा बताया कि कैसे बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे क्या होता है, तो सारा यही मेरी जर्नी है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से आप पढ़ोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। मैं 3 से 4 घंटे नियमित रूप से पढ़ता था और हमेशा कोशिश करता था कि इसके बीच में कोई कभी कोई गैप ना आए। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोग नियमित रूप से ये पढ़ाई करते थे, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते थे, जिससे ये परिणाम का सामने आया। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लोग। उधर बाड़मेर के समदड़ी में 12वीं के कला वर्ग में 95.80% अंक हासिल कर छात्र रिंकू अपने गांव और अपने स्कूल का मान बढ़ाया है। इसके बाद गांव में खुशी का माहौल है। छात्र ने बताया अच्छे नंबर हासिल करने में माता पिता और स्कूल के शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है। रिंकू ने सिवाना विधानसभा क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया। इस मौके पर विधायक हमीर सिंह ने फोन कर छात्र रिंकू को बधाई दी। रिंकू का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है। उधर वैर में 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने बाजी मारी है। कस्बे में 2 छात्राओं ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। छात्रा वैष्णवी पांडे ने 96% अंक हासिल किया है और खुशी शर्मा ने 95.80% अंक हासिल कर परिजनों का नाम रोशन किया है। छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई है। दूसरी ओर हर्षिता पांडे ने 92% अंक और रेशु तिवारी ने 92.80% अंक हासिल किए हैं। तो खुशी का माहौल है, कला वर्ग में बेटियों ने यहां पर बाजी मारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परसेंटेज भी इनके बेहतरीन आए हैं। 96% के साथ वैष्णवी ने एक तरह से इतिहास बनाया है। खुशी का माहौल है, परिवार वाले खुश हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षकों ने इनको मार्गदर्शन दिखाया है जिसपे ये लोग चली हैं और इस तरह के अंक हासिल किए हैं। तो 12th के आर्ट्स के रिजल्ट सामने आए हैं।